नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरपनिया सोशल क्लब। प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं समीर चंपाणी। कोई लालू यादव ऐसे ही नहीं बन जाता। बिहार में पहली बार 1977 में पहली बार कोई छात्र नेता जेल से हथकड़ी पहने नामांकन पत्र भरने आया और 3,75,000 वोट से चुनाव जीतकर मात्र 29 वर्ष की उम्र में छपरा से सबसे युवा सांसद लोकसभा में पहुंचा। 10 मार्च 1990 को पहली बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का शपथ राजभवन की बजाय गांधी मैदान में आम जनता के सामने लिया। 1990 में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो मुख्यमंत्री आवास और सरकारी गाड़ी छोड़कर बड़े भाई के चपरासी क्वार्टर्स में रहने और साइकिल की सवारी करने का फैसला किया। पहली बार मुख्यमंत्री पद संभालने के पश्चात जनता से पहली मुलाकात में कहा, वोट का राज मतलब छोट का राज, आप लोग मालिक हो, मालिकों पर अत्याचार नहीं चलेगा। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बेली रोड, अशोक राजपथ, बुद्ध मार्ग और कदम कुआं रोड पर रिक्शा वालों, ठेला वालों और दैनिक मजदूरी करने वालों के लिए 300 रैन बसेरे बनवाए। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरकार पटना क्लब की 60% जमीन वंचित तबकों के लिए आरक्षित करेगी। डोम, चमार और उन जैसी जातियों के लोग पटना क्लब में शादी की पार्टियां आयोजित कर सकेंगे। वे गरीब हैं इसलिए महंगी शराब या मुर्गा मटन का खर्च वहन नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्लब में अपनी पार्टी में ताड़ी पीने और सुअर का गोश्त खाने की आजादी होगी। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अविभाजित बिहार के 600 ब्लॉक में मात्र एक साल में गरीबों के लिए 60,000 आवासों का निर्माण करवाया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पटना के राजा बाजार, शेखपुरा, लोहानीपुर, राजेंद्र नगर और कंकड़बाग जैसे संपन्न इलाकों में दलितों के लिए बहुमंजिला भवन बनवाया। शहरों के बाहरी हिस्सों झुग्गियों में रहने वाले दलित परिवारों की पहचान किया और फिर और व्यवसायी लोगों से आग्रह कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कदम से कदम मिलाकर चले और बिहार को नई ऊर्जा के साथ एक नई ऊंचाई और नया आयाम दें। तक के लिए इतना ही। उत्तर बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुरपनिया सोशल क्लब। नमस्कार।